टाइम ट्रैवल से चालू करते हैं बिल्कुल टाइम ट्रैवल ही करते हैं आज हाँ। आज एपिसोड में हाँ। हम ही ना टाइम ट्रैवल बैठे, <laughs> बैठे बैठे चलो तो भाई टाइम ट्रैवल जो है ना पहले तो बता ना पॉसिबल है या नहीं थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा दो हमें हमें भी और जनता को बिल्कुल भाई पॉसिबल तो है अच्छा। पॉसिबल तो अभी पॉसिबल भले ही ना हो लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली हो जाएगा अच्छा लगता है मुझे क्योंकि जिस टाइप से हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है ना टाइम ट्रैवल फिर एक यूजल ट्रैवलिंग का वो भी बन सकता है हाँ बट उसका कोई मीनिंग नहीं है लेकिन उस चीज़ का आपका ट्रैवल का मतलब ये होता है भाई एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना यहाँ पर आप ट्रैवल कर रहे हो एक टाइम से दूसरे टाइम में और उस चीज़ से अगर आप पास्ट की कोई चीज़ बदलते हो या फ्यूचर में कोई चेंजेस करते हो तो उससे पूरा जो सर्कल है वो पूरा बिगड़ सकता है तो आई थिंक इस ये टेक्नोलॉजी क्या पता अभी भी डेवलप हो चुकी हो क्योंकि नाइनटी के टाइम से यू में रिसर्च चल रहा है जो एरिया फिफ्टी जो बोलते हैं हम हाँ, जिसको एलियंस का पूरा गढ़ बोला जाता है भाई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ एलियंस ही हों वहाँ पर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं चाइना वाले भी इस चीज़ पर बहुत रिसर्च करते हैं बट ये है कि ये सारी बातें आम जनता तक पहुँचती नहीं है टाइम टेबल पर बहुत पहले टाइम से रिसर्च चल रहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन के टाइम से क्योंकि जब वो उस टाइम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे चुके थे तो अभी तक उस चीज़ पर ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आगे फर्दर कुछ भी रिसर्च ना हुआ हो बट ये कि वो चीज़ जनता तक नहीं आई बातें बंद हो गई एक टाइम के बाद एक टाइम पहले हो रही थी लेकिन अब बिल्कुल शांति है पहले पहले ये थे ना की टाइम कांस्टेंट होता है बट उनकी थ्योरी से बना टाइम इज रिलेटिव टाइम इज रिलेटिव रिलेटिव और उस चीज़ को हम किस तरीके से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं अब बात ये, बात ये ये है कि भाई गवर्नमेंट के हाथ में आ गई गवर्नमेंट के हाथ में सारी पावर है आम आदमी को क्या चीज़ पता चलेगी किस रूप में पता चलेगी ये उनके हाथ में है ऐसे बहुत सारे इतिहास में भी किस्से हो चुके हैं जहाँ पर टाइम ट्रेवल की कोशिश की गई या गलती से टाइम ट्रेवल हो गया एक फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट है उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनी है बहुत सारे उस पर आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे ये यू आर्मी का एक खुफ़िया ऑपरेशन था उसमें गलती से टाइम ट्रैवल हो गया था अब जब गलती से एक बार हो गया था तो भाई इनने आगे सेम टेक्नोलॉजी पर कुछ तो रिसर्च किया ही होगा अभी तक भाई थोड़ा एक्सप्लेन करो क्या था ये और डिटेल में बताओ स्टार्टिंग से मजा भाई ये बात है 1943 की करीब है ना तो यूएस और जर्मनी के बीच में गर्मा गर्मी चल रही थी टेक्नोलॉजी सभी देशों के पास सेम थी बट यूएस के पास बेनिफिट ये था कि उनके पास अच्छे साइंटिस्ट थे निकोला टेस्ला थे आइंस्टाइन थे और उनकी रिसर्च वगैरह सब थी यूएस के पास यूएस क्या करता था बाहर के देशों के जो अच्छे साइंटिस्ट है ना उनको भी अपने आपकी नागरिकता दे देता था ठीक तो निकोला टेस्ला जो थे वो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन पर काम कर रहे थे लेकिन साथ ही साथ वो और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रहे थे जिस जो कॉन्फिडेंशियल थी जिनके बारे में जनरली किसी को पता नहीं है गवर्नमेंट को पता होगी तो उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बताया बनाया था ऐसा बताते हैं जो किसी भी चीज़ को इनविजिबल बना सकता था अच्छा हाँ अच्छा मतलब ये हाँ बैठा है तो ये इनविजिबल इनविजिबल हो, हो जाएगा ऑब्जेक्ट को लिविंग पर्सन की बात नहीं चल रही अभी एक ऑब्जेक्ट को जैसे कि मान लो कि कोई एक कार है या कोई शिप है उसकी पूरी फिजिकल बॉडी के साथ उस डिवाइस को अटैच कर दिया जाए तो थोड़ी देर के लिए वो चीज़ गायब हो सकती थी तो जब इस चीज़ पर काम चल रहा था ये एक्सपेरिमेंट अधूरा था तब गवर्नमेंट को इसके बारे में पता था तो उन्होंने निकोला टेस्ला से बोला कि भाई आप हमारी शिप को गायब कर दो इस समय वॉर में बहुत मदद मिलेगी अब ये पहले इन्होंने छोटी सी नाव पर एक्सपेरिमेंट किया तो भाई सक्सेसफुल रहा सक्सेसफुल कैसे रहा उससे नाव की लोकेशन चेंज हो गई उन्होंने एक पर्टिकुलर जगह पर नाव को रखा एक्सपेरिमेंट किया तो वो तीन किलोमीटर दूर वो नाव पहुंच गई थी यहां से गायब हो गई थी मतलब वो गायब इन नहीं हुई थी वो जगह बदल टेलीपोर्ट हो गई थी तो उन्होंने बोला भाई ये तो बढ़िया है यहाँ से टेलीपोर्ट करो और थोड़ी देर बाद वापस लेकर आ जाओ और हमला कर दो तो उन्होंने बड़े वाले शिप पे किया अब यहाँ शिप में क्या था इन्होंने अपने ट्रूप्स को अपने सैनिकों को भी रखा क्योंकि भाई खाली जहाज को गायब करने का क्या मतलब है तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया भाई तो वो शिप तो गायब हो गया थोड़ी देर के लिए मुश्किल से दस मिनट के लिए लेकिन जब वो वापस आया तो जो शिप के जो सैनिक थे ना भाई उनकी हालत बता नहीं सकता मतलब जो मेटल की बॉडी थी ना शिप की जो दीवारें थी फर्श किसी का हाथ निकल रहा था किसी का पैर फंसा किसी की आधी बॉडी फंसी मतलब वो जो टेलीपोर्ट हुए थे और उसके बाद जब वापस आए थे तो सब चीज़ें मिक्स हो गई थी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स तो सब मिक्स हो गई थी और उनका जो पूरा का पूरा जो बटालियन थी वो उसमें से मुश्किल से तीन या चार लोग ज़िंदा बचे बाकी सब फिर उसी शिप के साथ ख़त्म हो गए इस चीज़ को इसीलिए और वो रखा जाता है कॉन्फिडेंशियल क्योंकि ये एक फील्ड एक्सपेरिमेंट था अब इसमें अल्फ्रेड नाम का एक बंदा ज़रूर बच गया था तो उसने जब वो रिटायर्ड हुआ उसने पहले कुछ नहीं बताया रिटायरमेंट के बाद फिर जाके उसने मीडिया के सामने बताया कि ये एक्सपेरिमेंट हुआ था मैं इसमें था और जब मैं गायब हुआ तो शिप टेलीपोर्ट हुई लेकिन मैंने टाइम ट्रेवल किया अच्छा

उसने सात दिन कैसे वहाँ सर्वाइव किया छुप के रहा जैसे तैसे उसको ये भी नहीं पता था कि मैं वापस कभी आ भी पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा मैं तो फंस गया यहाँ पर लेकिन फिर जैसे ही वो एक्सपेरिमेंट वहाँ ख़त्म हुआ पास्ट में तो वो वहाँ से गायब हो गया और ये यहाँ पहुँच गया भाई नासा भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करती है अमेरिकन गवर्नमेंट हर कंट्री का अपना अलग रिसर्च चलता है लेकिन वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक नहीं पहुँचती पब्लिक तक वही पहुँचता है जो उनको बताने के हिसाब का गवर्नमेंट समझती है और टाइम ट्रेवल तो एक ऐसा जोन है जहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि इंसान ही जो हम अभी करेंट टाइम में एक्सपेरिमेंट करके पास्ट या फ्यूचर में जाएँ कभी कभी ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पर टाइम स्लिप की घटना देखी जाती है मतलब बिना किसी मशीन के या फिर किसी अननोन रीजन से पास्ट का कोई पर्सन यहाँ पर मतलब अभी प्रजेंट टाइम में या फिर फ्यूचर में पहुँच जाए ऐसी घटनाएँ भी देखी गई हैं अच्छा। और हाँ और एक तो जापान की घटना बहुत फेमस है वहाँ की ये 1954 की घटना मैन फ्रॉम टॉर्ड टॉर्ड एक कंट्री का नाम है जिसको मतलब काल्पनिक कंट्री मानते हैं भाई थोड़ा डिटेल में बताओ कहाँ से आया था क्या हुआ था एक बार अच्छे से बताओ थोड़ा भाई ये घटना हुई थी जापान में टोक्यो एयरपोर्ट पर नाइनटीन में तो जो दोपहर की फ्लाइट जिसने टोक्यो में लैंड किया था उसमें एक बंदा उतरा उसकी जब चेकिंग चल रही थी तो उसने अपना पासपोर्ट दिखाया उस पर लिखा था रिपब्लिक ऑफ टॉर्ड तो वो देख कर जो कस्टम के ऑफिसर थे या जो भी एयरप्लेन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के जो लोग थे भाई वो चौंक गए यार ये तो हमने कभी देखा ही नहीं है तो उसको अलग से बैठा ला पूछा भाई कहाँ से आया हो क्या तो उस तो वो पूरे हर चीज सही बता रहा कि भाई बिजनेस मैन हूं ये काम करता हूँ और उसकी सील वगैरह लगी हुई थी पासपोर्ट पर सब कुछ एकदम वैलिड था नकली वाला कोई काम नहीं था लेकिन सब ये इस चक्कर में थे कि टॉर्ड कौन सी कंपनी कंट्री है इसका तो नाम ही नहीं सुना

यही गुत्ती वो लोग सुलझा रहे थे कि भाई जब ये बंदा चेक इन किया होगा इसने या फिर टेक ऑफ के पहले इसने सिक्योरिटी चेक कराया होगा तब इसको कैसे अप्रूवल मिल गया ये प्लेन के बीच में से कैसे आ गया क्या हुआ तो उन्होंने बोला भाई इसको अलग से रखते हैं और देखो क्या है कि ये जब मामला था ये तो था भाई अपर लेवल का ये टाइम ट्रेवल का मामला था या पैरेलल यूनिवर्स का उनको या फिर लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा फ्रॉड आदमी है है ना तो एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों ने थोड़े ऊपर वाले लोगों को कांटेक्ट किया होगा कि भाई आप आके इन्वेस्टिगेशन करो एफबीआई वगैरह को ये जो भी उनके यहाँ चलता होगा जापान में तो उसको एक कमरे में उन्होंने रख दिया अच्छे से और कमरा पूरा उन्होंने कर दिया लॉक कोई विंडो वगैरह कुछ नहीं सब कुछ पैक है एकदम उसके बाद जब हायर अथॉरिटी के लोग आए उन्होंने बोला कि भाई बंदा कहाँ उन्होंने बोला यहाँ पे है ठीक गेट खोला तो वो गायब अरे वो गायब और उसके जितने डॉक्यूमेंट उन्होंने अपनी कस्टडी में लिए थे वो भी गया हाँ वो उसके पास नहीं छोड़ रहे थे उसका सूटकेस उसका पासपोर्ट उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स वो सब लेके आए थे उन्होंने अपने पास रख लिए लिये उन्होंने बोला चलो अपने पास ये तो है जब वो देखा तो वो भी नहीं था बोले ये कैसे गायब हो सकता है मतलब आदमी तो चलो फिर भी वैसे ही नेक्स्ट इम्पोसिबल है कि उस जगह से भाग जाए क्योंकि पूरे सिक्योर्ड उसमें रखा था एयरपोर्ट पे तो वैसी सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी में कहाँ भागेगा वो इंसान कैमरे वगैरह में भी कहीं पर भी नहीं आया उस टाइम जो भी रहते होंगे बट डॉक्यूमेंट्स उनके पास पे से गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं बट उन्होंने उस टाइम में उसके फोटोज ले लिए थे उस बंदे उसके पासपोर्ट का फोटो ले लिया था अच्छा। और जो फ्रंट पेज होता है उसका फोटो लिया था वो गायब नहीं हुआ वो एक्चुअली में किया गया था वो कोई फिजिकल चीज तो थी नहीं डिजिटल फॉर्म में था या जो भी था तो वो अभी भी इंटरनेट पर सर्कुलेट होता है और वो इतने साल हो चुके हैं इस घटना को साठ साल से ज्यादा हो चुके हैं जापान में इस मिस्ट्री को कोई सॉल्व नहीं कर पाया कि भाई वो बंदा प्लेन में आया कैसे टॉर्ड नाम की कौन सी कंट्री थी क्योंकि टाइम ट्रेवल का केस होता तो वो ईयर वाला मिसमैचिंग होती ना कि भाई मैं दो उन्नीस में चढ़ा था पचास में पहुंच गया यहाँ पर वो चढ़ा तो सेम टाइम में था लेकिन वो कंट्री ही कुछ और थी वो जगह ही कुछ और थी भाई ये कैसे पॉसिबल ये भाई ये हो सकता है पैरेलल यूनिवर्स वाला केस मतलब ऐसा बताया जाता है अपने वेदों में भी वर्डन है और बहुत सारे लोग इस टाइप की थ्योरीज को प्रेजेंट करते हैं कि भाई हम जिस दुनिया में जी रहे हैं हमारे साथ पैरल में सेम बहुत सारी दुनिया चल रही हैं तो कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है भाई यहाँ का वहाँ हो जाता है तो ये इस टाइप का टाइम स्लिप का केस था या शायद पैरेलल यूनिवर्स का केस था तो ऐसी घटनाएं भी होती रहती हैं जरूरी नहीं है कि इंसान ही अपनी तरफ से मशीन बनाए और टाइम ट्रेवल करने की कोशिश करे इसको इस तो हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई भगवान कुछ फिक्स करना चाहता है तो उस बंदे को टाइम स्लिप करवा दिया हो सकता ऐसा भी हो सकता है

इंसिडेंट बाहर कैसे आया इसकी जानकारी लग गई थी न्यूज़पेपर वालों को तो उन्होंने छाप दिया अभी इस टाइम मीडिया पर कंट्रोल गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा है अग आपको नहीं पता कि हो सकता है कुछ घटना ऐसी हुई भी हो लेकिन सामने ही ना आई हो। हाँ, ये भी हो सकता है सही बात है भाई भाई ऐसा कहते हैं कि माउंट कैलाश पे भी बहुत चीज़ें दिखती रहती है आपने भी हाँ शायद उन वहाँ पर बहुत वीडियोज माउंट कैलाश पे आपने बनाई है कुछ आप बता सकते हैं कहते आपको है हाँ उसका पूरा उसकी डिस्टेंस भी बहुत कैलकुलेटेड है एग्जैक्टली exactly तो मुझे भी नहीं मालूम शायद सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्स ऐसा कुछ बोलते हैं मेन जो मिस्ट्री है कैलाश पर्वत की वो ये है कि वो एवरेस्ट से भी ऊँचा है एवरेस्ट पर लोग चढ़ जाते हैं उस पर नहीं चढ़ पाते हैं ठीक है रीज़न क्या बताते हैं नहीं चढ़ने का कि इसका एंगल कुछ इस तरीके का है शायद सिक्सटी डिग्री या ऐसा कुछ एंगल है जिसकी वजह से इस पहाड़ पर चढ़ाई करना मुश्किल होता है ठीक है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बहुत सारे तर्क देते हैं बट क्या है कि ऐसा बताया जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का वास है और वहाँ पर वही इंसान चढ़ सकता है जिसका दिल साफ़ हो तो जो एक तिब्बती संत थे मेला रेपा वो चढ़ गए थे अकेले वही एक ऐसा इंसान है जो वहाँ की चढ़ाई कर पाए हैं तो अगर 60 डिग्री वाले एंगल का लॉजिक लगाएं या ऑक्सीजन की कमी का लॉजिक लगाएं जो आजकल के हाइकर्स के पास तो कितने अच्छे अच्छे इक्विपमेंट है तो वो नहीं चढ़ पाते लेकिन उस टाइम पे संत चढ़ गए थे और दूसरी बात ये भी है देखो ये पूरा ऊपर तक पहुंच गए थे नहीं नहीं पूरा ऊपर तक तो नहीं पहुंचे थे हाँ। बट मैक्सिमम जो भी चढ़ाई करी वो इन्होंने ही करी है टॉप पर तो अभी कोई नहीं पहुंचा है लेकिन एक चीज़ और भी है सोचने वाली कि जब कोई कभी चढ़ा ही नहीं है किसी को मालूम नहीं लेकिन हमारे वेदों में या फिर जो किस्से कहानियां चलते हैं उसमें कैलश पर्वत के बारे में सब बताया जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर यह है यहाँ पर एक लोक है यहाँ पर ऐसा वैसा तो भाई किसी ने तो कुछ देखा ही होगा ना एक चीज और भी है जैसा कि बोला जाता है कि वहां पर टाइम जो है वो फास्ट चलता है और ये तो घटना एक्चुअली में हुई थी हाँ। है ना जो चाइना जो था जिसने अपने कब्जे में ले लिया था जब कैलाश पर्वत को तो उसने रूस या जर्मन याद नहीं आ रहा कुछ साइंटिस्ट लोगों को अनुमति दी थी कि आप चढ़ के रिसर्च कर लो तो जब वो लोग गए थे ना तो उन्होंने बताया कि भाई यहां पर हमारे बाल और नाखून इतनी तेजी से बढ़ रहे थे फिर हमें पता चला कि भाई हमारी एज बहुत जल्दी बढ़ रही है यहाँ पर यहाँ पर टाइम बहुत तेज चलता है एक मिस्ट्री ये भी है वहां पर टाइम टाइम जो नॉर्मल अपने पृथ्वी का टाइम है उससे तेज चलता है एज जल्दी बढ़ती है वहां हर कोई नहीं चढ़ पाता लोगों को एल्यूज वगैरह होने लगते हैं है ना और बाकी जो उसकी पोजीशन है वो इतनी कैलकुलेटेड है जैसे कि मतलब इंटेंशनली उस चीज़ के बारे में हमारे ग्रंथों में बात की गई क्योंकि उसको शायद से धरती की धुरी ही बोला जाता है उसको मतलब सेंटर पॉइंट ही बोला जाता है कैलाश पर्वत को और केवल इंडिया में नहीं मतलब ऑल ओवर बहुत सारे जो भी रिलीजन है उनमें कैलाश पर्वत की इम्पोर्टेंस है अभी क्या चल रहा है कि अभी मुद्दा थोड़ा सा ऐसा है कि भाई चाइना का भी थोड़ा सा इंडिया का भी तो सोलह साल से तो कोई चढ़ाई नहीं है दोनों कंट्रीज की तरफ से परमिशन ही नहीं है जाने की इंडिया वाले बोलते हैं हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं वहाँ से वो लोग या चढ़ते भी होंगे तो अपने को नहीं पता चलती होंगी कुछ तो ये लोग करते ही होंगे ऐसा पर तो पर नहीं है नहीं। हेलीकॉप्टर या प्लेन से तो जा ही सकता होगा कोई जा सकते हो अगर ट्राई करे तो करे देख, करे देख है। सकते हैं कि सीधा टॉप पे जाओ तो क्या है देखो क्या है कि ऐसे चीजें नहीं दिखती हैं आप जाओगे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या के ऊपर जाओगे तो आपको कोई कुछ दिख जाएगा कुछ मिल जाएगा ये ऐसी चीजें हैं जैसे एंटार्क्टिका में भी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं ऐसा बोला जाता है कि उसके अंदर भी एक एडवांस सिविलाइजेशन है उसके अंदर भी बहुत कुछ है एलियंस का हब है लेकिन आप प्लेन के ऊपर से अगर प्लेन का यूज़ करके एंटार्क्टिका के ऊपर से निकलोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कुछ नहीं दिखेगा आपको ये सब चीज़ें हिडन होती हैं भाई कैलाश पर्वत के अंदर क्या है उसको क्यों इतना पूजनीय मानते हैं उस कुछ हमारे ग्रंथों में जिस भी चीज़ के बारे में कुछ कहा गया है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे लॉजिक होता है अब ये आज के ज़माने के लोग नहीं समझ पाते उसको हमेशा हर चीज़ को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती हैं भाई एलियंस के लिए भी कहते हैं कि वो भी वो रास्ता यूज करते हैं बहुत बारी वहाँ पे बहुत कुछ दिखता है आसमान में लद्दाख के तरफ भी दिखता है अपना कैलाश पर्वत के भी लाइट्स दिखती हैं यूएफओ की शेप का कुछ दिखता है वहाँ पे ऐसा कहते हैं रिसेंट में भी इंडिया में हुआ तो था हाँ। कि देखा गया एक यूएफओ टाइप का कुछ लाइटनिंग टाइप लाइट ट्राइंगल शेप की